नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है एक और आज हमारा विषय है हिंदी। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 5। देखिए बच्चों, आज क्या करना है हमें, चौकन में दिए गए अक्षर जैसे अक्षर ढूंढ कर उस पर गोला कीजिए। तो ये हमारा यूनिट 58 है। कितना है? 58 यानी 58। ब यानी न, यहाँ पे क्या दिया है? ब और न दिया है। जो बॉक्स में दिए यानी चौकन में दिए गए अक्षर जैसे अक्षर ढूंढ कर हमें उस पर क्या करना है? गोला करना है। तो हमने ये सब हमारा हुआ है, जो आपको ये पता होगा कि ब को देखते हुए हमें क्या करना है, उस पर सर्कल यानी गोला करना है। देखिए ब फिर से ढूंढेंगे, नहीं है, फिर न ढूंढेंगे, ये रहा, तो इस पर हम गोला करेंगे। फिर हमें क्या करना है? फ से फल। क्या है बच्चों? फ से फल, भ से भगत। इस तरह से आपको क्या करना है, चारों बाजू उस पर सर्कल करना है। ओके, आगे है ध और म। ध से धनुष। क्या होता है बच्चों? ध से धनुष। तो ध पर गोला करेंगे पहले, फिर म है, म से मगर, इस पर गोला करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे है य और प। क्या है? य और प। तो हम य पर गोला करेंगे, य से यज्ञ, फिर है प, तो प पे गोला करेंगे। इस तरह से आपको करना है। चलो आगे, समान मूलाक्षर को रेखा खींचकर जोड़िए। तो देखिए ब से क्या होता है? बस। फिर भ से भगत, फिर फ से फल और न से नल। इस तरह से आपको क्या करना है? जोड़ियाँ मिलानी है। फिर ध से धनुष, तो ध से मिलाएंगे। प से पतंग, य से यज्ञ और म से मछली, इस तरह से। ओके, फिर आगे है मूलाक्षरों में रंग भरिए। ये क्या है बच्चों? आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आपको क्या करना है? जो मूलाक्षर यहाँ पे दिए हैं उसमें रंग भरने हैं। देखिए आगे, शब्द पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे हमें शब्द दिए हैं जो हमें पढ़ने हैं और लिखने भी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे खाली जगह दी है। पग, प और ग, पग, पग। फिर है नट, न और ट, नट। मथ, तो यहाँ पे लिखेंगे म थ, मथ। फिर है जप। क्या है? जप, जप। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों? ये शब्दों को अच्छे से लिखना है और पढ़ना भी है। मग, तो यहाँ पे क्या है? मग। फिर है पट, प ट, पट। फिर है पथ, पथ। फिर यहाँ पे है तप। क्या है बच्चों? तप, त प, तप। फिर है भज, 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 पढ़, पढ़। फिर है धन, धन, धन। फिर है दम, दम। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों? अब शब्दों को पढ़ना है और लिखना भी है। फिर है बज। क्या है? बज, बज, बड़, बढ़, बड़। फिर है मन, मन। फिर है मन, मन। फिर है यहाँ पे नम। क्या है? नम, नम। इस तरह से आपको क्या करना है? शब्दों को अच्छे से पढ़कर उसे लिखना है। अभी हमें क्या दिया है? यहाँ पे शब्द पढ़िए और लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें दो शब्द वाले शब्द थे, यहाँ पे हमें तीन अक्षर वाले शब्द है। ओके, तो यहाँ पे है न म क, नमक। फिर है प क ड, पकड़। ब द न, ब द न, बदन। इस तरह से हमें क्या करना है? लिखना है। फिर है चमक, च म क, चमक। त प न, तपन। प त न, पतन। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है? शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और लिखना है। फिर यहाँ पे है फटक, यहाँ पे लिखेंगे फटक। फिर है भजन, भजन। फिर है कफन, कफन। भड़क, भड़क, भड़क। फिर है झपट, झपट। फिर है भटक, भटक।
इस तरह से दो तीन अक्षर वाले शब्द थे, शब्द वाले तीन अक्षर वाले शब्द थे जो हमने अभी लिख लिए। अभी हमें क्या दिया है, वाक्य पढ़िए और लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, वाक्य पढ़ने हैं। जगत पढ़, जगत पढ़, जग त फिर है कौमा पढ़, फिर है पूर्ण विराम, फिर है जनक, जनक कौमा पढ़, जनक पढ़, जगत पढ़, जनक पढ़, देखिए। फिर है त प न चढ़, चढ़, फिर है यहाँ पे गगन चढ़, ग ग न गगन चढ़। फिर है हमें यहाँ पे बड़ा वाक्य दिया है, मगन झगड़ मत, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे मगन झगड़ मत। फिर है क न क, आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा, खत, फिर क्या है यहाँ पे, खत पढ़, कनक खत पढ़। फिर आगे है छगन झटपट चढ़, चमन पद पकड़, इस तरह से आपको पढ़ते हुए यहाँ पे आपको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें मूलाक्षर दिए हैं जिसे हमें क्या करना है, बोलते जाना है और लिखते जाना है। र से क्या होता है, रथ, र से रथ, इस तरह से आपको क्या करना है, र से रथ पढ़ते जाना है और लिखते जाना है, र से रथ। बाद में क्या आता है हमारा, ल से लड़का, क्या आता है बच्चों, ल से लड़का, आपको ये पूरा करना है, ये आपका होमवर्क है ना, जो मैंने चार शब्द लिखे उसके बाद आपको लिखना है, ल से लड़का, क्या है, ल से लड़का। फिर बाद में पढ़ेंगे हम व से वजन, क्या है, व से वजन, व से वजन, व से वजन, इस तरह से आपको लिखना है। फिर है आता है हमारा श, श से शरबत, क्या है बच्चों, श से शरबत, श से शरबत, श से शरबत, इस तरह से आपको क्या करना है, जो बिंदु दिए उस पर पेंसिल चलाते हुए बोलते जाना है और लिखते जाना है, ओके। फिर है श से षटकोण, श से षटकोण, श से षटकोण, इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। फिर है स से सपेरा, क्या है बच्चों, स से सपेरा, स से सपेरा, स से सपेरा, इस तरह से आपको आपका जो लेसन दिया है मैंने, होमवर्क दिया है, वो क्या करना है बच्चों, पूरा करना है। यहाँ पे भी क्या है, होमवर्क पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। ह से हल, क्या है, ह से हल, ह से हल, ह से हल, इस तरह से। फिर बाद में आता है श, श से क्या है बोलिए, श से क्षत्रिय, क्या है बच्चों, श से क्षत्रिय, ओके। आगे है त्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, यहाँ पे हमारा फिर बचा है हमारा ज्ञ, ज्ञ से यज्ञ, ज्ञ से यज्ञ, यहाँ पे आपको पेंसिल चलाते हुए य से यज्ञ बोलते जाना है और लिखते जाना है, य से यज्ञ, य से यज्ञ, इस तरह से, ओके, ये आपको पूरा करना है। फिर है यहाँ पे हमें दिया है कुछ मूलाक्षर दिए हैं, चित्रों के साथ हमें मूलाक्षर दिए हैं, जो क्या करने हैं, मूलाक्षर पहचान कर उसके साथ हमें उसकी जोड़ियाँ मिलानी है। मूलाक्षर को योग्य चित्र के साथ रेखा खींचकर जोड़िए। तो देखिए बच्चों, र दिया है तो र से क्या होगा, रथ, ल दिया है तो ल से लड़का, व से वजन, श से शरबत, फिर है श से षटकोण, देखिए इस तरह से आपको जोड़ियाँ मिलानी है। फिर है स से क्या होगा बताइए, स से सपेरा, फिर ह से हल, फिर श से क्या है यहाँ पे, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से यज्ञ, इस तरह से हमें क्या करना है, जोड़ियाँ मिलानी है। बाद में हमारा यहाँ पे है र, ल, एव, स अक्षर ढूंढकर उस पर गोला कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें र ढूंढना है पहले, उस पर क्या करना है, गोला, फिर ल ढूंढना है, फिर उस पर गोला करना है, फिर स ढूंढना है तो उस पर गोला करना है। तो देखिए बच्चों, इसमें से जो अक्षर है कहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको अच्छे से देखकर उस पर गोला करना है। फिर यहाँ पे दिया है
ह, ज्ञ, श और त्र अक्षर ढूंढकर उस पर गोला कीजिए। तो पहले कौन सा अक्षर ढूंढेंगे हम? ह, तो ह को गोला करेंगे, फिर ज्ञ, यज्ञ, फिर ज्ञ, फिर श, श को ढूंढकर गोला करेंगे, फिर हमारा त्र, त्र को ढूंढते हम वहाँ पे गोला करेंगे। आगे है चौकन में दिए गए अक्षर जैसे अक्षर ढूंढ कर उस पर गोला कीजिए। तो आपको तो पता है बच्चों, अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि चौकन में जो अक्षर दिए हैं उससे जैसे सेम अक्षर हैं, स से क्या होगा? सपेरा, तो स पे हम गोला करेंगे, फिर हमारा ल है, ल पे यानी लड़का, ल से लड़का उस पर गोला करेंगे, र से रथ, फिर है ह से हल, फिर श, श से क्षत्रिय, श से षटकोण, इस तरह से आपको गोला करना है, त्र, त्र से त्रिशूल, व से वजन, फिर श, श से शरबत, ज्ञ से यज्ञ, इस तरह से आपको क्या करना है? गोला करना है। फिर आगे हमें क्या दिया है? समान मूलाक्षर देखकर हमें क्या करना है? उसके साथ जोड़ना है रेखा खींचकर। व से वजन, तो देखिए इस तरह से, स से सपेरा, श से षटकोण, ल से लड़का, फिर र से रथ, इस तरह से। ओके, श से यहाँ पे दिया है, श से शरबत, ह से हल, ज्ञ से यज्ञ, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल। देखिए बच्चों, हमने यहाँ तक अभी पढ़ाया है, आगे का जो पार्ट नंबर हमारा 6 आएगा उसमें हम आगे का देखेंगे। हमारा पार्ट नंबर 5 यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों। जय गायत्री। सो थैंक यू।